आज हम जा रहे हैं इंजन बदलवाने। इस वक्त बिलालगंज मार्केट में आ गए। जी सर, रिश्ता पक्का सबने? हाँ जी सर, डन डन है। एक दोस्त की गाड़ी है जिसका इंजन बिल्कुल बेकार हो गया है। अभी वो वर्कशॉप पहुंचा हुआ है, अभी जाके वहाँ के मनाजर देखते हैं। एग्जैक्ट मुझे सिचुएशन नहीं पता कि इंजन की क्या हालात है, लेकिन आज हमने इंजन बदलना है इतना मुझे पता है। तो जनाब, जब तक हम वर्कशॉप पहुंच रहे हैं, मैं आपको बैक स्टोरी सुनाता हूँ उस गाड़ी की। यार ये है N1। इस गाड़ी ने इसको जितना जलीलो खुआर कर छोड़ा ना यार, आपकी सोच। इसको मैंने इतना समझाया, मैंने कहा यार ये गाड़ी चेंज कर लो, ये काम निकाल रही है, तुम्हारा भी सर खाएगी। और जो गाड़ी, जब गाड़ी आप ना चलाओ और गाड़ी आपको चलाने लग जाए, तब आपको गाड़ी बदल लेनी चाहिए। माशाल्लाह यार, वैसे यार क्या इसकी रोड अपीयरेंस है यार, सोनाटा की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यार। मतलब मुझे इस बंदे को देख के दुख होता है। अब इसकी नई गाड़ी है और ये नई गाड़ी अपनी हर 6 महीने बाद वर्कशॉप लेके पहुंचा होता है। नई तो नहीं, मतलब नई से मुराद ये है कि अप टू डेट गाड़ी है, कोई इतनी को 10-20 साल पुरानी गाड़ी नहीं है। और ऐसी गाड़ी आप वर्कशॉप 6 महीने बाद आप वर्कशॉप जा रहे हो और फिर खुआर हो रहे हो, तो वो बड़ा बैड सीन हो जाता है। लेकिन इस बंदे की हिम्मत है, ये जो बर्दाश्त कर रहा है अब तक। गाड़ी चेंज करना कोई आसान काम थोड़ी होता है, एक गाड़ी चेंज करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है भाई। एक दफा बंदा हिल के रह जाता है गाड़ी चेंज करनी हो। ऑब्वियसली बात है यार, जिसके हार्ड एंड मनी है वो गाड़ी लेने से पहले 100 दफा सोचता है, 100 चीजें होती है उसके दिमाग में। तो ये है कि फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं इस गाड़ी का इंजन चेंज करवाने। इसके साथ बहुत जलालत हो चुकी है बेचारी गाड़ी के साथ, और इसके ऑनर के साथ भी और इस गाड़ी के साथ भी। मतलब ये खुद तो चला जाएगा, आप किसी की जान खतरे में डाल रहे हैं। सीन कुछ इस तरह हुआ कि कल आपके भाई को आउट ऑफ नो वे साथ की कॉल आती है और वो कहता है कि N1 का इंजन कितने का है। मैंने कहा यार मैं बिलालगंज में थोड़ी बैठा हूँ जो मुझे तू इस तरह पूछ रहा है। फिर मैंने इसे पूछा, मुझे बताओ हुआ क्या, सीन क्या चला तुम्हारे साथ जो तुम इंजन चेंज करने का सोच रहे हो। कहते यार इंजन काफी वीक हो गया, चलते चलते गाड़ी बंद हो जाती है और पिक नहीं है गाड़ी की, और बस तू गाड़ी का इंजन ढूंढ दे। मुझे यहाँ से मिल रहा है इतने का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये गारंटी इतने की दे रहे हैं। अब मुझे भी इतना ऑनेस्ट, मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊँ तो मुझे इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं है जो काबली इंजन होते हैं इनको किस तरह चेक करते हैं। लेकिन एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया है, तो ये है कि उनको हम थोड़ी सी जहमत देंगे, उनसे जाके थोड़ी सी बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या सीन बनता है। अभी फिलहाल तो हम वर्कशॉप पहुँचते हैं और देखते हैं भाई सीन असल में है क्या। Finally we are here. Dinky is here as well. ओए ओए ओए, हीरो लग रहे हो आज, फुल हीरो, फुल हीरो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं सर? ठीक ठाक हैं, तो ये ठीक है। क्या अपडेट है नईम साहब? इंजन बहुत ही चाहिए। हुआ क्या इंजन को? ये भी टप हुआ है बहुत दिन से, उसका रेडिएटर बंद है। ये तू करता क्या रहा है गाड़ी के साथ, क्या करता रहा, क्यों इतनी जलालत की है तूने? ये तो हैवी खर्चा है तुम्हें पड़ना है आज। तुम्हें जब मैंने कहा था गाड़ी सेल कर दो, अच्छे बिल वैसे तुम कर भी रहे थे, तुमने क्यों नहीं चेंज की यार? कागज भी मिल रहे थे। क्या बिल्कुल ही फारिग हो गया कुछ इसका? को 19-20 भी नहीं लग सकता ये डिस्पोजेबल इंजन, इनके जुगाड़ नहीं लगता। डिस्पोजेबल नहीं, रिपेयरेबल नहीं होता, नहीं रिपेयर नहीं होता, सामान ही नहीं है। ओके, तो अब क्या सीन क्या है, अब क्या करना है? नया इंजन पे ले गए हैं अब हम, बहुत सारी प्रॉपर है, मतलब ट्राई करके फिर आपको दूंगा। बोझी आप जरा रिंग रोड पे इसको भी जड़ा दे। रेडिएटर देखा आपने? अंदर से पानी देखना किस तरह का है। वो देखो, ये कूलर नहीं है, ये पानी है। तो मतलब फुल चोक है ये भी? फुल चोक है बोझी। बोतलें ठीक है इसकी? हां बोतलें ठीक है, सफाई होगी इसकी, ठीक है। पैप शैप इसके मैं सारे चेक कर लेता हूं, क्योंकि इसका थर्मोस्टेल वाल पे फंसा है, वाल इसका फंसा है। यार तुझे पता नहीं लगा कि हीट हुई है रास्ते में? क्या करता है रोड में, तेरे को दिखाता हूं रास्ते में। हीट इंजन चलाता है, अल्लाह माफ करे, ऊपर से स्नैप बना रहा है, बहुत अफसोस की बात है। तो
जनाब इस गाड़ी का इंजन अभी खुल रहा है और दूसरा इंजन लेने हम जा रहे हैं। राइड हमने बुक करवा दी है, राइड आ रही है। नईम साहब को कोशिश करते हैं साथ लेकर जाएं, क्योंकि मैकेनिक साथ होगा ना। देखो अब हमें तो इतना पता नहीं है, सीधी सी बात है, अगर मुझे पता होता तो चलो मैं कहता कि यार मैं खुद जाके देख लूं। तो आज सीखते भी हैं नईम साहब से कि इंजन चेक कैसे करते हैं और क्या नखरे करने चाहिए इंजन इंजन देखने से पहले, खरीदने से पहले। तो भाई साहब हम इस वक्त बिलालगंज मार्केट में आ गए हैं, लेकिन नईम साहब कहीं इधर मिसप्लेस हो गए हमसे। किधर घूम के आ रहे हैं, सैर किधर करके आ रहे हैं? बहुत बहस के बाद कितने में डन हुए? बहुत ज्यादा बहस के बाद 42 में डन हुआ भाई ये वाला इंजन। सिर्फ इंजन की बात, अब हेड असेंबली की बात कर रहा हूं, वो भी वो बड़ी मुश्किल से कॉइल्स बड़ी मुश्किल से उनसे लिए हैं। ये अभी तक निकला नहीं है एक इंजन ये देख रहे हो, ये सारा ये मोबलेल का ही है, क्योंकि इंजन में प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, इसकी वजह से ना मोबलेल गाड़ी गप कर रही थी और इसके साथ हीटअप भी हो रही थी। ये हम लेकर आए बिलालगंज से, ये चेक करें इसका प्रेशर। हम सिर्फ ना पाने पे, सिर्फ ये रिस्क है, पाने पे चेक करते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट होनी है तो इसका पता चलना है कि इसमें कितनी को ताकत है, क्या ब्लो। तो स्टार्ट करने से पहले नहीं पता चलता? पता चल जाता है, ई एफ आई इंजन है बोल जी। तो मैनुअल हो ना कार्बोरेटर वाला, तो ई एफ आई भी हो जाता है, वो मुकम्मल वायरिंग सारा कुछ लाना लगाना पड़ता है इसको। ये देखना प्रेशर उसका, ये सिर्फ ये चेक करते हैं। अच्छा यहाँ से चेक करते हैं जी। और वैसे सफाई से ही पता चल जाता है? सफाई से भाई, ये देखे ना इंजन कम चला हुआ है, ये होशा से आप देख लेना, ये होशा देख देख, कोई जंग नहीं है, कोई निशान नहीं है उसमें। वैसे तो ये टैपर कवर वगैरह खोल के चेक करते हैं, और जो इंजन बाहर से इतना साफ है तो अंदर से ऑटोमेटिक ही साफ होता है। कैसा ये देख, इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे ये जाहिर हो रहा है इंजन चला ही नहीं है बहुत से, उसके अलावा पेट्रोल एवरेज इसकी बहुत सेट है। और क्या क्या कर रहे हैं गाड़ी का? तो इसकी ब्रेकिंग श्रेकिंग करेंगे, अंदर से होदा वगैरह साफ हो रहा है, चेक करेंगे आगे। दूसरा रेडिएटर का क्या काम? रेडिएटर वॉश करवाना है इसका भाई जन, वो मैं जब से ये गाड़ी इन्होंने ली है भाई जन, उन्होंने वॉश करवाया नहीं है। वो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो हमने इसके साथ जो इंजन में आया है वो ही हमने लगाना है। ये अब कब तक हो जाएगा काम? कल कोई 12-1 बजे, आज वैसे हम स्टार्ट करके जाएंगे। वैसे उसकी रनिंग शनिंग कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो चले होते हैं रनिंग की जरूरत नहीं होती, बस अल्लाह खैर करे बम्पर शम्पर लगा के गाड़ी कम्प्लीट करके रोड पे डाल देंगे इसको। मतलब कल 12-1 बजे ये गाड़ी फ्री हो जाएगी, 12-1 बजे फिर इंडस आ जाए यहाँ पे, इंडस का काम होना है। ठीक है सर, फिर हमें इजाजत है, हम निकले। ओके सर। तो जनाब वर्कशॉप से निकल के हमने कुछ रोटी पानी करके पेट पूजा करके अब हम जा रहे हैं घरों घर। ये तो बेचारा अब हो गया पैदल, तो अब इसको घर भी ड्रॉप करना है और भी कुछ काम है। तो आई होप आज का ब्लॉग यहीं पे रैप अप करते हैं बस। अब गाड़ी जो है इंशाल्लाह कल तक हमारी क्लियर हो जाएगी, आज इंजन उसके अंदर लग जाएगा, बस उसको चेक करेंगे। बेसिकली चेक करना होता है कि मतलब कोई भी और एरर ना हो और कोई मसला ना हो, इसीलिए उसको डबल चेक करना जरूरी है। उसके अलावा अपनी गाड़ी का भी कुछ काम है जो इंशाल्लाह हम कल करवाएंगे। अब आज मैंने क्यों नहीं करवाया, इसीलिए नहीं करवाया, उनके पास ऑलरेडी ये गाड़ी थी, टाइम शॉर्ट था, तो मैंने कहा कल आराम से करवा लूंगा। N1 भी लेने आना ही है तो मैं अपनी गाड़ी का काम भी करवा लूंगा, छोटा मोटा काम है और बहुत मजेदार चीजें होने वाली हैं। कुछ चीज़
चीजें हैं, कुछ नई एक लुक देना चाह रहा हूँ पीछे से विंडस्क्रीन के ऊपर, एक बड़े मजेदार सा एक चीज लगेगी, वो मैं कल आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। और परफॉर्मेंस वाइज भी कुछ अपग्रेड्स मैं अपनी गाड़ी में करने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो आपको कल के व्लॉग में ये सारा कुछ पता चल जाएगा, कल मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।